नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन न्यूफर लूटियम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने देखा कि जो मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ, चाहे रूटीन का मेरा वीडियो हो, चाहे आपका सवाल एपिसोड हो, तो उसके अंदर दो क्वेश्चन मेरे से जो है पुरुष या जेंट्स जो है बहुत ज़्यादा पूछते थे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में। ये दो क्वेश्चन होते थे दोस्तों। पहला तो कि वीर्य का पतलापन, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती थी और मानिए हर दो तीन दिन में एक क्वेश्चन आता था कि वीर्य का पतलापन है वो हम महसूस करते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सेकेंड एक क्वेश्चन आता था कि बहुत से लोगों को लगता था कि उनका जो मेल पार्ट है या उनके जननांग, आप कहें कि उनका जो पेनिस है, कि उसकी साइज का छोटा होना, पतलापन होना या उसमें सिकुड़न महसूस होना कि पहले से जो हमारा पार्ट है छोटा हो गया। ये दो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब जो बहुत ज्यादा पूछे जाते थे कमेंट सेक्शन के अंदर, चाहे किसी भी तरह के वीडियोस या कुछ भी है उसके अंदर। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आपके साथ में एक होम्योपैथिक मेडिसिन ही शेयर कर दूं जिससे आप इसको देख सकें और इसके सिम्टम्स को आप समझ सकें। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो आप अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कस करके लेते हैं, बट उसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपके नॉलेज के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से मुझसे अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन है, इसका नाम है न्यूफरलूटिया मदर टिंचर। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इसकी भी हम बात करेंगे पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया और आपने सुन लिया। दोस्तों, होम्योपैथी की जो बेस्ट बुक मानी जाती है या वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं, जिस बुक को वर्ल्ड वाइड बहुत ही रेस्पेक्ट दी जाती है, वो है डॉक्टर विलियम बोरिक बुक। और डॉक्टर विलियम बोरिक मतलब होम्योपैथी के अंदर आप मान सकते हैं कि एक तरह का ग्रंथ है जिसको वर्ल्ड वाइड के होम्योपैथ बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ इस बुक को पढ़ते हैं। और ऐसा मैंने आज तक कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं देखा जिनकी क्लिनिक के अंदर ये बुक नहीं हो या इस बुक को फॉलो नहीं करे। इनफैक्ट मैं भी इस बुक को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। डॉक्टर विलियम बोरिक और डॉक्टर केंट, ये दो ऐसे मतलब बुक्स हैं जिसके बिना कोई भी होम्योपैथ अपनी प्रैक्टिस की कल्पना ही नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इसको हम लोग इसी विलियम बोरिक बुक से पढ़ने वाले हैं। और विलियम बोरिक जो है इसके अंदर पेज नंबर 1084 पर ये मेडिसिन है न्यूफरलूटिया, और इस पेज पे इस मेडिसिन के बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मेडिसिन पर्टिकुलरली जो इसका मेजर एक्शन है वो मेल सेक्सुअल सिस्टम पे है, यानी वो पुरुष जिनको किसी भी प्रकार से उनके जननांग पे, उनके पार्ट्स में, उनके अंग के अंदर कोई तरह की कमजोरी महसूस होती है या उनके वीर्य से संबंधित, उनके स्पर्म से संबंधित कोई भी तरह का दोष है या कोई शिकायत है, तो उसके लिए ये मेडिसिन स्पेसिफिक है, बेस्ट मानी गई है। दोस्तों, अब इसके जो बुक के अंदर लिखे हुए वही पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। वहां लिखा हुआ है इम्पोटेंसी विद इनवॉलेंटरी इमोशन ड्यूरिंग स्टूल व्हेन यूरिनेटिंग। दोस्तों, इम्पोटेंसी क्या होता है? नपुंसकता, यानी वो पुरुष जो अपने आप को अपने जीवन साथी के काबिल नहीं पाते, जब अपने अगर जीवन साथी या पार्टनर के पास जाते हैं तो भी अगर उनको शारीरिक संबंध बनाने में जिनको दिक्कत आती है चाह कर भी, उसको हम इम्पोटेंसी वर्ड कहते हैं। इसको कई बार आप रूटीन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कह देते हो या आप प्रीमेच्योर एजुकुलेशन भी इसको कह सकते हो कि जिसके अंदर प्रॉपरली आप जो है रिलेशंस नहीं बना पाते, इंपोर्टेंसी। तो ऐसे लोग जिनको इंपोर्टेंसी है, इसी के साथ में इनवॉलेंटरी इमिशन ड्यूरिंग स्टूल व्हेन यूरिनेटिंग और यूरिनेटिंग, मतलब वो लोग जिनके वीर्य के अंदर इतनी कमजोरी रहती है, इतना पतलापन जो वीर्य का हम कहते हैं, कि वो लोग जब कोई मल त्याग करते हैं, या कई बार बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, जब भी मैं मल त्याग करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीर्य निकल जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। या वो लोग जो यूरिन कर रहे होते हैं, यानी जब पेशाब कर रहे होते हैं, उस टाइम भी अगर उनका जो है अन जाने के अंदर या नहीं चाहते हुए भी उस टाइम वीर्य निकल जाता है, वीर्य के अंदर इतनी कमजोरी होती है, तो उसकी भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट बुक में लिखते हैं कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, पार्ट्स रिलैक्स्ड एंड पेनिस रिट्रैक्टेड, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे लोगों के अंदर धीरे धीरे जब शरीर में इतनी कमजोरी होगी तो उनकी सेक्स की जो डिजायर है, इच्छा है, वही खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि हम इस लायक नहीं बचे और हम जो है प्रॉपरली अपने पार्टनर के पास जो है जाएंगे तो भी हमसे बहुत अच्छा कोई नहीं होने वाला। शरीर के अंदर इतनी कमजोरी, पार्ट्स रिलैक्स्ड, यानी उनको अपने अंग के अंदर, उनका जो जननांग है, पुरुषों का जो अंग है, उसके अंदर उनको ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल रिलैक्स हो गया। बहुत से लोग जैसे कहते हैं सर, ऐसे लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे पार्ट है ही नहीं, या ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठंडापन सा महसूस होता है, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, मेरे अंग के अंदर कुछ ताकत एनर्जी मुझे महसूस नहीं होती। तो ऐसे लोगों के अंदर जिनका पार्ट बिल्कुल उनको लगता है रिलैक्स है, जहां जैसे कुछ हो ही नहीं, उसमें कोई जान ही नहीं हो, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ के अंदर पेनिस रिट्रैक्टेड, यानी वो लोग, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा पेनिस जो है वो अब रिट्रैक्ट हो गया है, मतलब उसमें सिकुड़न आ गई है, कि पहले मुझे लगता था कि काफी अच्छी जो है साइज और इस तरह के जो इश्यूज कई लोग बात करते हैं, साइज छोटी हो गई। और उन लोगों के लिए ये लाइन है कि उनको ये
लगता है कि अब जो मेरा साइज है मेरे पार्ट का वो पहले से छोटा हो गया, रिट्रैक्ट हो गया, पहले से मेरी साइज छोटी होगी, उन लोगों की मेडिसिन दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट लिखा है नर्वस वीकनेस विद मार्क्ड सिम्टम्स इन सेक्सुअल स्फीयर, यानी ऐसे लोग जिनको ओवरऑल ये लगता है कि उनके शरीर के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कोई ताकत नहीं बची है, एनर्जी नहीं बची है, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए और खासकर उनको ये लगे कि सेक्सुअली तो वो बिल्कुल ही वीक हो गए हैं, कोई ताकत एनर्जी स्टेमिना वगैरह कुछ नहीं बचा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों लास्ट उसके अंदर लिखा है स्पर्मेटोरिया। दोस्तों स्पर्मेटोरिया क्या होता है कि बहुत से लोग जो क्लिनिक में भी आके पूछते हैं, आप लोगों में से भी हो सकता है कि कोई वीडियो देख रहे हैं तो नॉलेज के लिए देख रहे हैं, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, तो ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि अनजाने के अंदर वीर्य निकल जाना। अनजाना कैसा? स्पर्मेटोरिया। हो सकता है कि आप रात में सो रहे हैं और आपको ड्रीम आया, कोई तरह का सपना आया और उसके साथ में स्वप्न दोष हो गया। कभी कभार अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन बहुत से लोग हैं कि एक वीक के अंदर उनको दो बार हो गया, तीन बार हो गया, कई लोग हैं जिनको डेली हो रहा है और उसके बाद शरीर में इतनी जो है थकावट, सुस्ती, वीकनेस वगैरह रहती है। उसी तरह से उन लोगों को ये भी लगता है कि जब भी वो यूरिन यानी पेशाब के लिए या मल त्याग के लिए जाते हैं या रूटीन में भी कई बार उनको लगता है किसी से बात कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं कुछ, तो उसके अंदर भी मतलब छोटा मोटे एक्टिविटीज से भी उनको ऐसे लगता है कि उनका स्पर्म्स या जो वीर्य है वो डिस्चार्ज हो गया है, निकल रहा है या निकल गया है। तो इस तरह के सिम्टम या लक्षण, इतनी अगर कमजोरी आपको लगती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन और एज ए वरदान साबित हुई है। दोस्तों अब इस तरह से अगर हम समराइज करें, हम लास्ट में बात करें, ये मैंने अभी तक आपको जो पॉइंट बताए ये सारे वो पॉइंट है जो डॉक्टर विलियम बोरिक बुक में पेज नंबर 1084 पे मेंशन है। यस 1084 पे मेंशन है। तो इसके अंदर मैं वही कह रहा हूं जो डॉक्यूमेंटेड है, बुक के अंदर लिखा हुआ है और मैंने भी मेरी क्लिनिक में ये देखा है कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आए और उन पेशेंट की पर्टिकुलरली अगर वीर्य से संबंधित कोई शिकायत रही है, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे को वीर्य का पतलापन बहुत ज़्यादा रहता है, हालांकि ऐसे लोगों का फिर हम सीमेंट टेस्ट करवाते हैं, जैसे मेडिसिन कभी भी नहीं देना पसंद करता मैं, या साथ के अंदर मान लीजिए स्वप्न दोष हो रहा है, अनजाने के अंदर वीर्य निकल रहा है, या शुक्राणु की कमी है हो रही है, किसी को एजियोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, बिल्कुल शुक्राणु नहीं होना, कम होना, इसी तरह से वो लोग जो इंपोर्टेंस यानी नपुंसकता के अंदर जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी या पीई प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है, या वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हमें जो हमारा जननांग है पार्ट है उसके अंदर बिल्कुल ठंडापन महसूस होता है, सिकुडन यानी बहुत ज़्यादा छोटापन महसूस होता है, वहाँ पे कुछ हमें एनर्जी या ताकत महसूस नहीं होती, दोस्तों ऐसे लोगों को अगर ये मेडिसिन दी जाए तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और एज ए वरदान साबित होती है। लेकिन डिस्कशन हम जरूर करते हैं, जब भी कोई पेशेंट आते हैं उसकी हिस्ट्री भी ली जाती है कि ऐसा उसके साथ क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसकी लाइफ के अंदर क्या उसने कोई दूसरी गलतियां तो नहीं कर रखी, या इस बीमारी के साथ और उसको अगर कोई तरह के सपने आते हैं उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, या उसकी डे टू डे लाइफ में कोई उसने ऐसी हैबिट तो नहीं बना रखी जिसके कारण ये हो रहा है, जिससे उस कारण को भी साथ में दूर किया जा सके। हो सकता है कई बार हमें कुछ हैबिट भी चेंज करने की जरूरत हो, इसलिए मैंने कहा था कि आप कोई भी मेडिसिन का अगर बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमेशा डॉक्टर से डिस्कस आप जरूर करें अपने डॉक्टर साहब से। और उसके लिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज के बारे में, इसकी अगर डोज की बात करें तो इसकी जो बेस्ट डोज या पोटेंसी रिकमेंडेड है वो मदर टिंचर है, जिसको हम क्यू या एमटीबी कह देते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन वैसे ही बहुत सस्ती होती है, अफोर्डेबल होती है, बाकी अगर हम किसी से भी दूसरी पैथी से कंपेयर करें, लेकिन उसके अंदर दोस्तों जो ये मेडिसिन होती है थोड़ा सा इस तरह की ताकत वाली, थोड़ा सा बाकी मेडिसिन होम्योपैथी वाली से महंगी होती है, उसमें भी मैं हालांकि बाकी से बहुत सस्ती है, तो मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ मेरी क्लिनिक में भी कि मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन यूज करें। और मेरी कोशिश रहती है जैसे मैं मेरी क्लिनिक में डॉक्टर एक्वैग या WS जो जर्मन है इन दोनों को यूज करता हूँ, या फिर मैं SBL कंपनी की प्रीफर करता हूँ, कई बार ये नहीं होता तो फिर कोई अच्छी कंपनी को प्रीफर करता हूँ। आप भी कोई भी अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही करें, मैं उसकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं मेरी क्लिनिक में जो यूज करता हूँ वो कहने का इतना सा मतलब है अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कीजिए बस। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या डोज है, तो इसकी जो डोज बुक में लिखी हुई है मैं आपको वही डोज बताता हूँ, वो है 5 ड्रॉप, सिर्फ 5 बूंद ही लेनी है और दिन में 4 बार लेना है। दोस्तों इसको क्या करना होता है, एक चाय पीने वाला कप धोके साफ करके रख लीजिए, उसमें 5 बूंद आप जो है इसको मदर टिंचर को डालिए, फिर उसके अंदर गुनगुना जो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं वो ऐड कीजिए, और सिप बाय सिप धीरे धीरे छोटी छोटी बूंद, जैसे गर्म चाय या कॉफी पीते इस तरह से धीरे धीरे पीना है 5 बूंद, और एक कप भी नहीं मैं बोलूँगा, आधा कप गुनगुना पानी लीजिए और कम से कम 3-4 सिप में धीरे धीरे उसको पीजिए। और सिप भी जब आपने मुंह में पानी लिया दवाई वाला तो कोशिश कीजिए उसको 20-30 सेकंड मुंह में रहने दीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा आपके मुंह से बेटर वो में एब्जॉर्ब होती है, वहाँ थोड़ा सा उसको रहने दीजिए।
मेरी क्लिनिक में अगर कोई आते हैं, मैं आपको बताऊं डोज कितने टाइम तक और कैसे देता हूं, अगर मुझे यही मेडिसिन देनी है तो। हालांकि साथ में बहुत सी मेडिसिन हम और भी देते हैं इस पर सिम्टम्स नहीं, पर इस मेडिसिन की मैं आपके बात करूं तो इस तरह से दिन में 4 बार देता हूं मैं 1 महीने तक। उसके बाद नेक्स्ट मंथ तक मैं इसको जो है अगले 1 महीने के लिए इसको दिन में 3 बार कर देता हूं, उसके अगले महीने में इसको दिन में 2 बार कर देता हूं, और उसके लास्ट में मैं महीने में सिर्फ 1 बार करता हूं। और इस तरह से धीरे धीरे मैं इस दवाई को शुरू करता हूं और इस तरह से वापस धीरे धीरे बंद भी कर देता हूं। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन को एकदम भी नहीं बंद किया जाता, हालांकि कुछ कैसे जैसे होते हैं जिसमें मेडिसिन जल्दी भी बंद कर देते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी ने कैसा रेस्पॉन्ड किया। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिन 6 महीने तक भी खिलानी पड़ जाती है, ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी की क्या कंडीशन है, सब केस टू केस। बट एक स्टैंडर्ड जो डोज है वो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करने की कोशिश की। दोस्तों उसके साथ में और आपको एक पर्सनल एडवाइस दूँ कि वो लोग जिनको कोई भी तरह की इस तरह की शिकायत है, कंप्लेंट है, तो उनको ये एडवाइस करते हैं कि जब आप इस तरह की मेडिसिंस वापस ले रहे हैं, जब आप अपनी बॉडी को रिकवर कर रहे हैं, तो आप ये भी देखें कि आपका डाइट है बहुत अच्छी हो, हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फ्रूट्स, दही, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा लें। 60 मिनट तक डेली कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम या और कुछ नहीं तो वॉक ही करने जाएं, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। टाइम से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और कोई भी तरह की आपको लगता है कि गंदी आदत है तो उनको भी अपनी गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। मैं खास करके कहता हूं मोबाइल, इंटरनेट वगैरह का एक्सेस या गलत यूज नहीं करें, और रात को सोने से कम 2 घंटे पहले आपको अपना मोबाइल इंटरनेट ऑफ करके साइड के अंदर रख देना चाहिए। जब ये सारी चीजें आप करते हो तो आप देखोगे बहुत फायदा मिलेगा। और वो लोग जो कि मैरिड हैं और अपने जीवन साथी के साथ रह रहे हैं और अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो उनको एडवाइस किया जाता है कि कम से कम 1 महीने तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस वगैरह शुरू के 1 महीने नहीं बनाए, उसके बाद और ये सारा मेडिसिंस वगैरह हम कंटिन्यू रखवाते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर तेजी से बिल्कुल जो एक नई एनर्जी और वापस अपने आप को वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में पाते हैं और सारी प्रॉब्लम्स भी उनकी यूजुअली दूर हो जाती है। दोस्तों ये मैंने कोशिश की कि निफलूटिया जो मेडिसिन है उसको बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, जिससे अब मैं आगे से वहाँ आंसर इसका बार बार मुझे नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ यही बोलना होगा कि आप ये वीडियो देख लें। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसकी जो बेस्ट मेडिसिन है जो बुक्स में भी रिकमेंडेड है, होम्योपैथी की जो बेस्ट बुक्स है वहाँ भी है और क्लिनिक में भी मैंने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हालांकि वही है कि इसके अलावा और भी अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो बेटर है कि आप जो है डॉक्टर से डिस्कस करें। अब अगर आप मेरे आसपास से ही बिलोंग करते हैं, मेरी क्लिनिक आना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं जोधपुर राजस्थान में बेस्ड हूं, तो मेरी जो क्लिनिक का एड्रेस वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के थ्रू, तो जो मोबाइल नंबर है क्लिनिक अपॉइंटमेंट का वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो है 9828541102। और ये जो मोबाइल नंबर है ये मॉर्निंग में सिर्फ 10:30 to 5:30 तक ही ऑन रहता है, उसके अलावा इस पर नहीं होता, इस पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, फिर आपका हमारे जो क्लिनिक में पूरे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे आप टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने पूरा कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेडिसिन की जो जानकारी है ये आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप जैसे ही वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके जो क्वेश्चन है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे मैं कल जो आपका सवाल का एपिसोड आएगा मैं उसमें उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।